Good morning guys, welcome back all of you to India's largest online education portal Yaniyan Academy पे आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। सभी लोगों को good morning and everyone is welcome and सलाम वालेकुम मेरी तरफ से सभी लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का जो सेशन है, that is let's see what's gifted to us today from our newspapers। हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस साल के और अगले साल के जो एग्जाम्स हैं हमारे, जो उनके पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आइए उस पर बातचीत करते हैं। ओके, और सबसे पहली चीज गाइस, रियली सॉरी आई गेस आई एम 10-12 minutes late again, okay, really sorry about that, okay, and सभी लोगों को जो है yes, आज जो है एक बहुत ही खूबसूरत दिन भी है हमारे लिए, 2 अक्टूबर लाल बहादुर शास्त्री साहब का जो है 117वां जन्मदिन, right? So उसकी भी ढेरों शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और लाल बहादुर शास्त्री नाम जो है याद रखिएगा, because इन्हीं के ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचना है आपको, द लबासना लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपको किसी भी हालत में वहां पहुंचना है, किसी भी हालत में मतलब कि ऐसा नहीं कि रोते गाते, हाँ बीमार पड़ते हुए, ये वो, किसी भी हालत मतलब कि चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए हम हथियार नहीं डालेंगे, हम गिव अप नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए कंफर्ट में, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए, प्रॉब्लम्स की गर्दन पकड़ के हम एक ही बात बोलेंगे कि डूड यू आर एट द रॉन्ग एड्रेस, you may be the problem but I am problem to the problems, okay, I am the pain to the pain, I am the biggest trouble to the odds, right everyone? So please do remember that and everything will be clear now, right? So yes, सभी लोगों को good morning everyone। हाँ तो अब सब लोग जरा शांत हो जाएं, ठीक है? So let's go with the points now, okay? और guys याद रखना, कुछ लोग हैं जिनको टेलीग्राम चैनल में रोज बताता हूँ, लेकिन मैं कल क्लास के बाद देख रहा था, आप उसके बाद भी टेलीग्राम चैनल पूछ रहे थे। गाइज मैं क्लास के बिगनिंग और एंड दोनों में बता देता हूँ, ठीक है? ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, दैट्स PMUPSC10, दिस इज द टेलीग्राम चैनल, यू हैव टू ज्वाइन एंड रिमेंबर दिस इज द प्रोमो कोड इटसेल्फ you are going to use for the Unacademy Plus subscription, okay? So guys आइए देखते हैं न्यूज़पेपर्स की कहानी, okay? हमारे जो न्यूज़पेपर्स की कहानी है उस पर चलते हैं हम लोग सीधा। सो द फर्स्ट हेडलाइन फॉर द डे, ओके, सो हियर वी गो। ओवर 4% ऑफ मदर्स इन केरला इन 2019 वर एज्ड बिटवीन 15 to 19, द रिपोर्ट गिवन बाय द केरला गवर्नमेंट, ओके? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे द स्टेट्स इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, कौन कह रहा है भाई ये बात? स्टेट का इकोनॉमिक और स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट की ये रिपोर्ट है, ठीक है? और वो ये बात बता रहे हैं कि भाई 15 से 19 वर्ष तक 15 टू 19 इयर्स ऑफ मदर्स दे वर ऑलमोस्ट 4% ऑफ द पॉपुलेशन, ओके? अ सरप्राइजिंग, इनफैक्ट अ शॉकिंग फाइंडिंग इज दैट 20,995 मदर्स दे वर एज बिटवीन 15 टू 19, ओके, एंड दे वर फ्रॉम द अर्बन एरियाज एज वेल। तो ये बात कहना कि गांव और शहर में फर्क है, तो कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो हमें बताती हैं कि भाई कहां है फर्क, हाँ कि भाई कहां है फर्क। 20,995 मदर्स, मतलब ऑल 21,000 मदर्स, 21,000 मदर्स एज बिटवीन 15 to 19, मतलब 15 to 19। दिस इज राइट नाउ वेयर वी स्टैंड। इट्स नॉट जस्ट द स्टेट रिपोर्ट ऑफ द केरला, ये फिलहाल केरला के स्टैटिस्टिकल और इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ केरला में हो रहा है। इसके आगे भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर, बहुत सारी क्या, पूरे हिंदुस्तान में हमें ऐसे रिपोर्ट्स, अगर हम पैन इंडिया सर्वे करें तो हमें ऐसे ही कुछ बहुत सरप्राइजिंग और इन अदर वर्ड शॉकिंग रिपोर्ट्स देखने को मिलते रहेंगे। दिस इज समथिंग विच प्रोवाइड्स अ क्वेश्चन मार्क on our present education system, on our present social system। and चलो education और social system को हम बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। आपको याद होगा हमारा मोटो, right? We need to change the world, but before changing the world, we need to change our designation, है ना? दुनिया बदलनी है, बदलो, बिल्कुल, ये तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी है इस दुनिया को बदलना, इसे सुधारना, लेकिन पहले अपना जो पद है, अपना जो औहदा है, उसे भी बदल लो। आम इंसान बदलाव नहीं ला सकता, ये फैक्ट है। कोई कितना भी बोल दे वन मैन कैन, नो, दैट वन मैन, वो एक आम आदमी को भी सरकार में आना पड़ता है तब बदलाव ला पाता है। सो जब तक हाथ में ताकत ना हो, चाहे विधायी शक्तियां हो, चाहे कार्यपालिका की शक्तियां हो, कोई भी, चाहे लेजिस्लेटिव पावर्स हो, चाहे एग्जीक्यूटिव पावर्स हो, जब तक पावर्स नहीं है ओके, जब तक पावर्स नहीं है तब तक हम बदल नहीं सकते कुछ भी, ठीक राइट। सो गेन द पावर, बी द आईएएस, बी द आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, आईआरएस व्हाटएवर यू वांट एंड चेंज सच काइंड ऑफ सोशल सोशल पैराडॉक्सेस, सोशल डॉगमास, सोशल इश्यूज। बट अभी तो हम एक एस्पिरेंट हैं, एक कैंडिडेट हैं। अभी तो हमारी जो है बस इतनी सी जो है कहानी है कि हम फिलहाल एक स्टूडेंट हैं और यूपीएससी के स्टूडेंट हैं। तो उसके पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो अगर आप देखो, सो दिस इज समथिंग विच इज डायरेक्टली टारगेटिंग, डायरेक्टली ओके, दिस इज डायरेक्टली टारगेटिंग आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। Come on guys, please pen down all of these things। आपको इनको जो है सर्टिफाई करना जरूरी है कि ये किस तरफ अपना इशारा कर रहे हैं। आर्टिकल 21 ओके, अनुच्छेद 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पर ये एक बहुत बड़ा सवाल। 15 साल की एज में तुम्हें क्या पता था? 15, 16, 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20, 21 साल तक की एज में भी अभी तुम उतने मैच्योर नहीं हो कि तुम अपने आप को आगे चीजें मतलब खुद ब खुद समझा सको। यहाँ तो हमारे यहाँ लगभग सिर्फ और सिर्फ केरला से हमें एक डेटा मिलता है, दैट इज 21,000 किड्स 15 to 19, राइट, दे आर द मदर्स ओके, दे आर मदर्स। अब बीइंग अ मदर इज नॉट समथिंग कि बड़ा ओके ओके कुछ नहीं बस एक बच्चा ही तो जन्मा है, नहीं। बीइंग अ मदर इज द बिगेस्ट डेजिग्नेशन ऑफ दिस प्लैनेट। मदरहुड इज समथिंग विच इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल थिंग एवर क्रिएटेड बाय नेचर, बट दैट्स ऑल्सो रिक्वायर्स टाइम एंड एक्सपीरियंस ओके। और यहां पर हम देख रहे क्या 21,000, वो सिर्फ और सिर्फ 21,000 का डेटा नहीं याद रखना, वो तो डेटा है जो केरला का स्टेट इकोनॉमिक और स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट देता है। पैन इंडिया ये डेटा कितने लाख हजार करोड़ में चला जाएगा पता नहीं ओके। सो वी आर स्टिल वेरी अनसर्टेन, वी आर स्टिल यू नो वेरी मच इन क्वेश्चन कि भाई ऐसा कब तक चलता रहेगा। तो गाइस प्लीज रिमेंबर आर्टिकल 21 तो चलो ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा भी एक आर्टिकल आएगा हमारे सामने, दैट इज आर्टिकल 39 ओके, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 ओके, ऑल ऑफ दीज 39, 41, 42 एंड यस फॉर श्योर व्हाई नॉट 38। डीपीएसपीस के तमाम आर्टिकल्स जो हैं फिलहाल इस एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट की वजह से न्यूज में आ गए हैं, हेडलाइंस में आ गए हैं आपके लिए। आम इंसान इसको पढ़ रहा होगा और कहेगा अरे अच्छा 21,000 जो है हमारे यहाँ एक स्टेट है और उसमें 21,000 जो है मदर्स हैं, दे आर एज बिटवीन 15 to 19, ठीक है। कल की डेट पे ये रिपोर्ट कहीं किसी और स्टेट से आएगी या पैन इंडिया रिपोर्ट आ जाएगी तो आम इंसान उसको पढ़ेंगे कि हाँ भाई चलो बड़ी बुरी बात है, अच्छा नहीं है, हमें बदलाव लाना चाहिए। लेकिन ये तो सब कोई बोलेगा ना, जनरल आंसर ये लिखकर भी सब लोग आ जाएंगे, यस वी नीड टू चेंज। अरे भाई वी नीड टू चेंज बट थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनली भी तो बात किया करो, संवैधानिक तौर तरीके से भी तो बात किया करो, राइट ओके। हाँ, लॉकडाउन प्लेड अ वेरी बिगेस्ट रोल, नॉट जस्ट द लॉकडाउन, दिस होल कोरोना आउटब्रेक ओके, इट प्लेड अ वेरी बिग रोल ओके। सो पूरी कहानी देख लो, यहाँ पे आर्टिकल नंबर डाल दो भाइयों बहनों प्लीज ओके, दैट इज आर्टिकल 21 ओके। देन नेक्स्ट दैट विल बी 38, the duty of the state to establish the welfare state okay, then 39, 41 and yes 42 okay। ये सब जिम्मेदारी में आ जाता है हमारी। चलो एक तो फंडामेंटल राइट है, लीगली एनफोर्सिएबल, जस्टिसिएबल इन नेचर, उसके पीछे फोर्स है कानून का, बट द डीपीएसपीज दे डू नॉट हैव फोर्स, बट आपको याद ही रहेगा वो कहानी, रिमेंबर द पार्क वेयर आई वाज सिटिंग, हमने डिस्कस किया था दैट। वो बात याद रखनी है कि डीपीएसपी फॉलो करना ना करना तुम्हारे ऊपर है, लेकिन करोगे तो कभी तकलीफ में नहीं आओगे, नहीं करोगे तो यार तुम्हारी मर्जी। इज इट क्लियर गाइस एवरीवन? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस प्लेस? सी एजुकेटेड वेल देन नो, एजुकेशन को हमने अभी भी एग्जैक्ट डेफिनेशन में नहीं लिया है। एजुकेशन का मतलब हमारे यहाँ आज भी होता है डिग्री पाना, या लिटरेसी का मतलब क्या होता है, हाउ डू वी डिफाइन लिटरेसी? Literacy is something, if you are able to read and write your name, you are literate. Okay. And education, see, education doesn't means just having a degree. कि मेरे पास मेडिकल की डिग्री है, मैंने इंजीनियरिंग कर लिया, मैंने लॉ कर लिया है, मैंने जो है मैनेजमेंट कर लिया है, मैंने वगैरह वगैरह जो है आर्किटेक्चर किया है, मैंने मास मीडिया में कोर्स कर लिया है, दैट्स जस्ट डिग्री. ओके, हैविंग अ डिग्री दैट मीन्स, दैट डजंट मीन्स आई एम अवेयर. ओके, अवेयरनेस की भी कमी है. ओके, क्योंकि अगर आप देखो तो ये क्या सीन है, 15,240 फ्रॉम दी अर्बन एरियाज, 15,000 तो अर्बन एरियाज में, 6,000 ही जो है रूरल एरियाज में है ना. तो अर्बन एरियाज में तो एजुकेटेड लोग रह रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर थॉट, है ना. तो एजुकेशन और अवेयरनेस दो अलग अलग पहलू हैं. हाँ, एजुकेशन से ही अवेयरनेस आएगी फॉर श्योर, और अवेयरनेस से ही एजुकेशन आगे बढ़ेगी फॉर श्योर. लेकिन एक प्रॉपर मीडियम, एजुकेशन को हमने अपडेट किया है कि नहीं, अपने एजुकेशन सिस्टम को हमने अपडेट किया है कि नहीं. आज भी हमारे कॉलेजेस के अंदर जो कोर्स है सिर्फ वही पढ़ाया जाता है, फंडामेंटल राइट्स, द सोशल इश्यूज, सोशल सिस्टम, सोशल जस्टिस, जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो चलो जरूरत है ही, बायोलॉजी जरूरत है ही, चलो अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज वो भी जरूरत है, पॉलिटिकल साइंस की उससे भी ज्यादा जरूरत है. दैट इज द अंडरस्टैंडिंग द सोशल सिस्टम ऑफ इंडिया, द सोशल डॉगमास, द सोशल पैराडॉक्सेस, इन सब की भी बहुत जरूरत है. और जब तक ये नहीं होंगे ऐसे हमें जो है स्टेटमेंट्स देखने को मिलते रहेंगे. इज दैट क्लियर एवरीवन? नहीं, इतने इसीलिए हो सकते हैं क्योंकि वी नो, यू नो, वी नीड टू अपडेट द सोशल सिस्टम फर्स्ट. ओके, तुम ही बदलोगे, तुम्हारा ही काम है ये, लेकिन डेजिग्नेशन बदल लो अपनी पहले. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं. सो PAGD, ओके, अ ग्रुप नोन एज द PAGD डिसमिसेस द गवर्नमेंट्स रिपोर्ट ऑन JNK's पीपल अलायंस फॉर डिक्लेरेशन. ओके, PAGD, पीपल्स ओके अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन ऑन फ्राइडे डिसमिस्ड अ रिपोर्ट बाय द सेंटर रिगार्डिंग इंप्रूवमेंट्स ऑफ ग्राउंड्स ऑफ सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर. अभी देखो इसमें हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ नहीं है, क्या कौन सी पार्टी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं, बस एक नाम यहां पर आपके सामने दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, ठीक है, दैट इज गुपकर डिक्लेरेशन. ओके, बस इतना सा लिख लो. व्हाट डू यू मीन बाय गुपकर डिक्लेरेशन? गुपकर डिक्लेरेशन क्या है? गुपकर डिक्लेरेशन कुछ नहीं है, जब 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने हमारा आर्टिकल 370 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया था, तब ऐसे में 20 अगस्त, ओके, 2019 20th of August ऑलमोस्ट, आई गेस यस 20th of August ओके 2019 को कश्मीर की सभी पार्टीज ने मिलकर एक डिक्लेरेशन साइन किया था. उसका नाम क्या पड़ा था? गुपकर. ओके, द नेम वाज द गुपकर डिक्लेरेशन. सो अगर प्रीलिम्स हमसे पूछा जाए गुपकर डिक्लेरेशन इज फॉर व्हाट? इंटरकॉन्टिनेंटल मीट, हाँ, द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस मीट, the SAARC nations meet, the G20 meet. Nahin. It is just the conference of parties that are existing in the state, in the valley of Kashmir. Okay, and they had this declaration that we should be joining hands together and asking the central government that what to do next. Do we need Article 370 again, Article 35 capital A again? So Gupkar Declaration, in short, आप इसको यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो. It was for the sake of Article 35 capital A. ओके एंड आर्टिकल 370. ओके, कब साइन किया गया था? 2019. दैट्स इट. अगस्त सितंबर छोड़ दो, 2019. इज दैट क्लियर एवरीवन? गुपकर डिक्लेरेशन. मेरा कमेंट कहां गया? मेरे को सबके कमेंट दिख रहे हैं. ओके, यूपीएससी में तो साइकोलॉजी भी है. हाँ जी, बिल्कुल है. व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस? ओके, PSIR कंपल्सरी नहीं हो सकता, बकवास सब्जेक्ट है. हाँ भाई, किसने बोल दिया कंपल्सरी है? हाँ, और किसने बोल दिया बकवास है? देखो, दोनों चीजें अलग अलग हैं. ना तो बकवास है भाई और ना ही कंपल्सरी है, ठीक है, ना तो बकवास है और ना ही कंपल्सरी है. जस्ट इट्स अप टू यू, ठीक है. ऐसा टेंशन नहीं लो रे, ऐसा मतलब रिलैक्स रहो मेरे भाई, रिलैक्स, टेंशन नहीं. ओके, भाई ना तो कंपल्सरी है ओके और ना ही बकवास है ठीक। और यूपीएससी में तो साइकोलॉजी भी है, पढ़ो जाके ओके ब्रदर। अभी क्लास एंड करके ना मैं सबसे पहले जाके साइकोलॉजी पढ़ूंगा ठीक है, आपका हुक्म सर आंखों पर। चलिए ओके गाइस ऑल क्लियर। यस सर डियर, वालेकुम सलाम, एब्सोल्युटली सर, हाँ ओके चलिए ओके। ओके ओके फाइन फाइन फाइन। एजुकेटेड मीन्स हम कितने समझदार हैं, एजुकेटेड मीन्स हम कितने लॉजिकल हैं ठीक है। एजुकेटेड मीन्स अवेयर मीन्स हाउ मच लॉजिकल वी आर ओके, हाउ मच लॉजिकल वी आर, ये भी जरूरी है ओके। सो पॉइंट इज वी नीड टू अपग्रेड व्हाट सम लॉजिकल फैक्ट्स एंड थिंकिंग्स ठीक। तो चलिए गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा okay, that is the PAGD okay, People's Alliance for Gupkar Declaration, that's not new, important but yes Gupkar Declaration important है। Article 35 capital A और 370 के लिए बनाया गया कश्मीर की ऑल पार्टीज का एक डिक्लेरेशन ठीक, गुपकर ओके गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट, ममता बनर्जी ब्लेम्स DVC दामोदर वैली कॉर्पोरेशन फॉर मैन मेड बंगाल फ्लड्स ओके। सो गाइस ये स्टेटमेंट भले ही हमें किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने दिया है, वो चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, चाहे वो कोई भी हैं ओके हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्टेटमेंट किसने दिया है ओके या क्यों दिया है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट लिटरली गाइस ओके। यहाँ पर देखो हमारे पास ममता मैडम का नाम है, ममता मैम का नाम यहाँ पर आ जाता है, ममता बनर्जी okay, the chief minister of the state of West Bengal right, but that's not the news for us कि ममता बनर्जी ने क्या बोला okay, what Miss Mamata Banerjee the honorable chief minister what the statement she has given, no this is not the news for us okay, the news for us is the statement that has come on DVC Damodar Valley Corporation। उन्होंने बताया है कि DVC दामोदर वैली कॉर्पोरेशन इफेक्टिव इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इज वन ऑफ द प्रायर रीजंस फॉर मैन मेड फ्लड्स ओके, मैन मेड फ्लड्स एग्जिस्टिंग इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ओके। सो क्या सीन है यहाँ पर अगर आप देखो, सो शी वॉर्न्ड अ मैसिव प्रोटेस्ट इफ ड्रेजिंग ऑफ डैम्स एंड बैरेजेस वाज नॉट डन टू प्रिवेंट द रेकरेंस ऑफ द फ्लड्स एंड अनाउंस दैट शी वुड कंडक्ट एन एरियल सर्वे ऑफ फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट सच एज पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया and Bankura on Saturday okay, so today she will be going on the aerial survey okay, no that's not the news ki today she is going on the aerial survey or not, who has given this statement। UPSC aapse ye sab katei nahi puchne ja rahi, lekin ha ki jo statement aaya hai ye ek bahut hi zyada straight forward aur ek bahut hi zyada logical statement bhi baithta। Damodar Valley Corporation undoubtedly a brilliant and a wonderful initiative taken up by the government, but yes we need to act as well because it is considered as one of the reasons for the Bengal floods okay, so guys please remember Damodar Valley Corporation okay, aapke liye news mein kya hai the Damodar Valley Corporation okay right okay, what's going on guys please yes guys good morning okay guys please शांति रखें थोड़ा सा okay, थोड़ा चैट बॉक्स में शांति रखें, आराम से रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, रिलैक्स मैन कम ऑन रिलैक्स ओके। सो ममता बनर्जी का स्टेटमेंट हमारे लिए एक निकल कर आया है यहाँ पर, और याद रखना हमारे को ये नहीं याद रखना है द स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय होम ओके, कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर थी, गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, या जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बोला है या किसने बोला है, नहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ओके गाइस। सो प्लीज रिमेंबर द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ओके, दैट विल बी टुडेज होमवर्क ठीक। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन कहाँ एक्टिव है, क्यों एक्टिव है, क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, किस तरीके से काम कर रहा है वगैरह वगैरह, दिस इज ऑल यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स ओके, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दैट्स इट, सिंपल पॉइंट ओके एवरीवन फाइन फाइन फाइन। Any questions? Okay. Damodar Valley Corporation, I guess everything is clear. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले point की तरफ. So here we go with the next one. Forces will be giving befitting reply to those who tried to encroach, says the Defense Minister Rajnath Singh. Okay, so इन्होंने बताया कि भाई गलवान वैली में ओके जो भी हो रहा है जैसे भी हो रहा है, अभी कल ही आपने देखा है हाल ही में कि किस तरीके से हमने चाइनीज जो है गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स को रिजेक्ट करते हुए ठीक है बोला है कि नहीं वी आर लिटरली नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट कि एनक्रोचमेंट हमने किया है. पूरी दुनिया जानती है, पूरे सबको पता है कि एनक्रोचमेंट कहां से हुआ, कैसे हुआ. ओके सो द स्टेटमेंट हियर व्हिच केम, सो द फोर्सेस विल बी गिविंग बिफिटिंग रिप्लाई टू दोज हु ट्राइड टू एनक्रोच. Okay, and one more thing, that the Indian soldiers should be honored for following Sainik Dharma in the Galwan Valley at India-China border 2020. So the most wonderful statement right now for the day, that is we are going to provide some befitting reply if you try to cross the limits of the borders and if you try to encroach the major principles of the sovereignty and safety and security comes into the question. Then it will be we who will be going to the prior action first. Okay? So the forces will be giving the befitting reply. किसने बोला है ये बात? हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने. और ये बात किसको देखते हुए बोली है? For sure कि अगर कहीं से एनक्रोचमेंट होता है, चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर से हो, चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर से हो, चाहे वो LOC से हो, चाहे वो LAC से हो, ठीक है, वो कहीं से भी हो, अगर हमारे यहाँ एंटर होने की कोशिश करी जाएगी तो फिर हम चुप नहीं बैठेंगे. ओके और इंडियन सोल्जर्स शुड बी गिवन द सैनिक धर्म अवार्ड, दे शुड बी ऑनर्ड विद दैट सैनिक धर्म थिंग, बिकॉज उन्होंने ये चीज प्रूव की है. ओके सो गाइस आई ऑलवेज से दैट देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ हीरोज, देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर हीरोज. और वो सुपर हीरोज कौन है? वो हमारे सोल्जर्स हैं जिन्होंने वर्दी पहनी. किन्हीं लोगों ने जो है खाकी पहनी है हमारी पुलिस सर्विसेज में, तो किन्हीं लोगों ने जो है ग्रीन या ब्लू जो है पहन रखा है हमारे नेवी में है, एयरफोर्स में है, चाहे हमारी आर्मी में है. सो वो जो उनका जो यूनिफॉर्म है ना, वो यूनिफॉर्म सिंपल एक शब्द में उनका आर्मर है, राइट? दैट्स द आयरन आर्मर. और वो जो इंसान जिसने वो यूनिफॉर्म पहन रखा है ना, दैट्स नोन एज सुपर हीरो. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ हूं मैं, रेगिस्तान में हूँ, 40 डिग्री 45 डिग्री की गर्मी है, मैं वहां भी ड्यूटी करूंगा. मैं सियाचिन में हूँ, -10 डिग्री 15 डिग्री कुछ भी है, मैं वहां भी ड्यूटी करूंगा. मैं काराकोरम में हूँ, मैं तमिलनाडु कोस्ट में हूँ, ठीक है, मैं कहीं पर भी हूँ. ओके मेरी पोस्टिंग पानी में हो, समुद्र में हो, चाहे आसमान में हो, मेरा काम है अपने देश की सुरक्षा करना, और वो मैं किसी भी हालत में करूंगा. और मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरे मतलब क्या स्टेक पर है. अगर देखा जाए तो सोल्जर का स्टेक पर तो एक बार में सब कुछ होता है, दाव पर एक बार में सब कुछ लगा होता है. तो उनको हम क्या कहते हैं? सुपर हीरोज. और हमारे सुपर हीरोज के लिए स्टेटमेंट आया है कि सबसे पहली चीज तो सैनिक धर्म से उनको जो है नवाजा जाए, और दूसरी चीज अगर किसी ने भी हमारी बाउंड्री में एंटर करने की कोशिश करी तो it will be something which will be not a good news for the encroachers, right, everyone? They are the real, yes, eager to be Indian. Yes, Anmol, सुना है, बिल्कुल. भाई मेरे शाहिद भाई, मैं हिंदी में ही बता रहा था यार. ओके फाइन. ओके ठीक. सो आगे बढ़ते हैं. तो दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट गिवन बाय द ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर. एंड द नेक्स्ट थिंग गाइस, द नेक्स्ट वन व्हिच इज इन लाइन हियर, दैट इज आफ्टर 40 इयर्स Curtains close on OFB, Ordnance Factory Board. Okay, जो है अब उसको जो है बंद किया जा रहा है हमारा. सो 65,000 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है अब उसे PSUs में बांटा जाएगा. ओके सो मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स नोन एज द इंडेंट्स. ओके गाइस ये ध्यान रखना, इंडेंट्स जो हैं ये क्या है? डिफेंस ऑर्डर्स को हम क्या बोल रहे थे? इंडेंट्स. पेंडिंग विद द OFB वर्थ अराउंड ₹65,000 करोड़ have been renegotiated into the contracts between the government and the new corporate entities, said the Defense Ministry sources. Okay, so guys, please remember whatever we have here. OFB, Ordnance Factory Board. Okay, Ordnance Factory Board. अब इसको बंद किया जा रहा है, ठीक है, और लगभग 65,000 करोड़ का इसका जो अभी वर्किंग है, जो इसको काम है, जो करना है, और अभी उसको जो है दूसरे गवर्नमेंट ने बताया है, डिफेंस मिनिस्टर ने बताया है कि इसको कुछ दूसरे एंटाइटीज, ओके, कॉर्पोरेट एंटाइटीज और जो है कुछ दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गन्स को सौंपा जाएगा. ओके, सो प्लीज रिमेंबर 40 साल बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, अब उसको जो है बोला जाता है कि अब इसके जो है पर्दे लगाने का वक्त आ चला है, और 65,000 करोड़ का इसका जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो हम डिस्कस करेंगे अपने किसी दूसरे जो है गवर्नमेंट ऑर्गन्स और जो है प्राइवेट कॉर्पोरेट एंटाइटीज हैं उनके साथ. ओके, सो अगला स्टेटमेंट यहां पर, अगली कहानी जो बैठती है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत, रावत साहब मीट्स यूएस काउंटर पार्ट जनरल मार्क मिले. ओके, सो हमारे सीडीएस, हमारे जो सीडीएस हैं और यूएस के जो सीडीएस हैं, दोनों की मुलाकात हुई है और रीजनल मुद्दों पर, क्षेत्रीय मुद्दों पर जो है बातचीत करी गई है. इंडिया एंड यूएस अगेन, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि ये न्यूज आपको लगातार आगे आने वाले, अब बहुत सारे जो अब आने वाले दिनों में देखने को आपको मिलती रहेगी. द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ओके, हमारे बिपिन रावत साहब किससे मिलने गए? जनरल मार्क मिली, वो जो कि यूएस के सीडीएस हैं, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ. और क्या बातचीत करी हमने? रीजनल मुद्दों पर. ऑब्वियसली इंडिया और मार्क मिले, मतलब यूएस की मीटिंग हो रही है किस पर? डिफेंस पर. तो मेजर पॉइंट ऑफ फोकस क्या रहेगा? यस, Pakistan, Afghanistan, the whole of the Middle East, and yes, not but last but not the least, that is the Indo-Pacific. तो आइए देखते हैं क्या क्या वार्तालाप हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो हैं उस पर नजर डालते हैं. So according to the White House fact sheet, the US aims to further strengthen its defense partnership with India. Guys, a big round of applause. मैंने आपसे ये बात एक हफ्ते पहले डिस्कस करी थी that US is going to strengthen all such kind of ties and relations with India. Okay, और आज यूएस का एक स्टेटमेंट आप देख पा रहे हो यहाँ पर, व्हाइट हाउस का एक स्टेटमेंट है that we are going to strengthen our partnership with India, our defense partnership with India. Okay, कौन सी पार्टनरशिप? डिफेंस, सुरक्षा से संबंधित हमारी जो साझेदारी है उसको अब हम आगे बढ़ाएंगे और इंडिया और यूएस के रिश्ते और गहरे करेंगे. So this is something the fact sheet also highlighted. The US bolsters, okay, its relationships with Indian military and said US India DTTI, Defense Technology and Trade Initiative Agreement, okay, it's signed between both the nations in July this year, points forwards the commitments. Okay guys, please remember India US. So अभी कैसा, हमने कितने दिन पहले डिस्कस किया रहेगा इसको? 4-5 दिन पहले. तालियां तो बनती हैं बिल्कुल. भाई ओएफसी अखलाक ब्रदर, ओएफसी जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है अपना, वो बंद हो रहा है और उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो प्राइवेट एम्प्लॉयज नहीं है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तो उनका ट्रांसफर कहीं ना कहीं फॉर श्योर होगा. ओके, राइट एवरीवन, इतना प्यार इंडिया यूएस, यस एब्सोल्युटली गुड न्यूज, एब्सोल्युटली. ओके, तो ये बात है ना, हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ एक आध हफ्ते के अंदर 2 बार डिस्कस कर चुके हैं कि यूएस इज गोइंग टू स्ट्रेंथन इट्स टाइज विद इंडिया, चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशंस हो, चाहे वो डिफेंस रिलेशंस हो, एंड हेंस प्रूव्ड. ओके, हेंस प्रूव्ड, नथिंग टू बी वरीड अबाउट. ओके, ओके, फाइन. प्रीवियस स्लाइड में क्या 2020 कुछ नहीं था देयर, इट वाज 65,000 करोड़ की बात हो रही थी. ओके, दैट इज दी ओएफबी के साथ जो अभी प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. ओके, क्लियर एवरीवन. सो यहां पर देखो एक नाम आया है डीटीटीआई, तो देखो हमने तो अपनी बातें प्रूव कर दी, एक हफ्ते पहले हमने बोला था, आज आपको न्यूज मिल गई, ठीक है, राइट. दिस विल हेल्प इंडिया टू स्ट्रेंथन इट्स रिलेशंस इन द ग्लोब, व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली. ओके। लेकिन अब यहाँ बात करते हैं डीटीटीआई, तो आपको याद होगा डीटीटीआई के ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके हैं अपने एमसीक्यूज क्लास के अंदर। हम लोग अपनी ऐप पर जब अपनी एमसीक्यू वाली क्लास कर रहे थे तो उसमें भी डीटीटीआई आया था। तो डीटीटीआई याद रखिएगा, इट्स बिटवीन इंडिया एंड यूएस, दैट इज डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। किसके किसके बीच है? हिंदुस्तान और यूनाइटेड स्टेट। ओके, आइए देखते हैं डीटीटीआई की कहानी। So establishment of sustained leadership is one of the major objectives of the DTTI. Okay, दोनों देशों के बीच में एक बेहतरीन आगे क्या बोलते हैं ट्यूनिंग बनी रहे, and through this initiative focus on the bilateral defense trade relationship. Okay, this was established. DTTI के जरिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव के जरिए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा प्रणाली और सुरक्षा समझौते पर हमेशा वार्तालाप होती रहेगी, और ये वार्तालाप और ये जो कॉन्वर्सेशन होगा ये हमें एडवांस्ड फीचर्स और टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कराता रहेगा। ठीक, हमें भी और यूएस को भी। हम आपस में ट्रेड डील कर रहे हैं, ट्रेड दैट इज डिफेंस ट्रेड। ओके, सो व्हाटएवर वी हैव, we can have this trade with export with to the US, whatever US it is having, it can import it to us. Okay, so the simple logic is it's going to be, you know, the bit to make the teeth bitter of our so called good friends. वेस्ट में और ईस्ट में हमारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, इनके दांत खट्टे करने के लिए ये इंफॉर्मेशन, इतनी न्यूज जो है बहुत काफी है। ओके, DTTI, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव, इंडिया एंड यूएस। ओके भैया, उसको बंद क्यों किया जा रहा है? सी द रीजंस आर सिंपल, दैट मींस दैट इज वी नीड टू गो फॉर सम काइंड ऑफ अ डिसइन्वेस्टमेंट एज वेल, एंड जो OFP है उसके पास एक्सेस वर्क काफी था। ओके सो इसकी वजह से हमारे पास और भी जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा था। सो अपने डिफेंस सिस्टम को एनहांस करने के लिए और कुछ नहीं, उसको बंद नहीं किया जा रहा है, उसको एनहांस किया जा रहा है, यूँ समझो। ओके, बट आफ्टर दिस रशिया इंडिया, नो यार कितनी बार मैं आप लोगों को बताऊं, इंडिया रशिया IR में ऐसा नहीं होता है। ओके प्लीज, हर रिश्ते अलग अलग नापे जाते हैं। मैंने ये बात जो है 1000 दफा बताई है। इंडिया रशिया रिलेशंस अलग हैं, इंडिया यूएस रिलेशंस अलग हैं, रशिया और चाइना रिलेशंस नहीं है, रशिया और पाकिस्तान रिलेशंस नहीं है। तो क्या उससे इंडिया रशिया रिलेशंस खराब हो गए? नहीं, अलग अलग रखे जाते हैं। एक इंसान, वो बात स्टेटमेंट याद रखना, एक इंसान मल्टीपल रोल्स परफॉर्म करता है। जो बेटा है वो भाई भी है, जो जीजा जी है वो किसी के साले साहब भी हैं, जो मौसा जी हैं वो चाचा जी भी हैं, ठीक है, जो सिंपल जो मामा हैं वो फूफा भी हैं। ओके, तो ये सबके साथ अलग अलग रिलेशन हम बनाते हैं। तो जिस एक पर्टिकुलर इंसान के साथ हमारा जैसा रिलेशन है उसका इफेक्ट किसी दूसरे किसी तीसरे इंसान पर नहीं पड़ता है। तो IR में भी यहाँ सेम मुद्दा है, सेम लॉजिक। ओके, ऑल क्लियर। ओके फाइन 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 फाइन, so this was the DTTI. So we cannot call Defense Technology and Trade Initiative as a law or a treaty. Guys ध्यान रखना, ये कोई law या कोई भी treaty वगैरह नहीं था। Instead it has been given a name of flexible machinery which will help senior leaders from US and India to ensure a determined and focused approach on channelizing opportunities and challenges related with growing the mutual defense partnership. अभी बोलोगे सर इसमें लिखना क्या है? कुछ नहीं लिखना, एक लाइन लिखनी है, DTTI कोई कानून या कोई समझौता नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ एक हमारे लिए चैनल है, एक मीडियम ऑफ दिस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है विद रिगार्ड टू द डिफेंस सिस्टम्स, विद रिगार्ड टू द डिफेंस प्रोडक्ट्स। ओके, इट्स नॉट जस्ट अ लॉ और अ ट्रीटी, इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस। ओके, जिसके जरिए हम लोग आपस में ट्रेड करेंगे। किसमें ट्रेड करेंगे? डिफेंस प्रोडक्ट्स में। ओके, दैट्स इट। इज इट सेफ टू गिव इंटेंट्स टू PSUs? यस, व्हाई नॉट, एब्सोल्युटली। ओके, बिकॉज दोस PSUs विल बी अंडर डायरेक्ट स्कैनिंग। ओके, अंडर डायरेक्ट स्कैनर दे विल एग्जिस्ट। फाइन एवरीवन, सो आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, हमारे बाबा जो है कल छुट्टी पर थे, भूल तो नहीं गए होंगे आप लोग बाबा को एक दिन में। सो क्या नाम था हमारे? PC बाबा, राइट। तो आज ये हमें कुछ जो है नॉलेज कुछ ज्ञान जो है अलग नॉलेज ऑफ द डे फैक्ट ऑफ द डे में मुलाकात कर रहे हैं। ओके सो क्या है हमारे लिए आज बास्केट में बाबा के थ्रू। सो हमें मिला है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो न्यूज में भी रहा है आज। सो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में जो है कुछ जानकारी ले लेते हैं आइए। सो OFB ओके सो इट वाज एन अम्ब्रेला बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। किसके अंडर काम कर रहा था? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। OFB वाज वर्किंग अंडर व्हाट? जस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। And the first Indian ordnance factory was set up in 1712, 1712 में, by the Dutch company as Gunpowder Factory in West Bengal. Guys, please, very important fact. Okay, आपके मेंस के लिए भी और आपके प्रीलिम्स के लिए भी for sure. Okay, so OFB किसके अंदर काम कर रही थी? Ministry of Defence, and the first OFB was set up by a Dutch company known as the Gunpowder Factory. कहाँ पर? West Bengal. Okay. गनपाउडर फैक्ट्री कहां पर? वेस्ट बंगाल। ओके अजय ओपीसी बाबा की उन्होंने कुछ नहीं गड़बड़ वो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली डिफेंस सिस्टम है, वहां पर कोई लूपहोल का हम स्कोप छोड़ते ही नहीं। ओके सो गाइस प्लीज रिमेंबर द गनपाउडर फैक्ट्री वेस्ट बंगाल 1712 बाय अ डच कंपनी। ओके सो प्लीज रिमेंबर इसके अंदर लगभग 41 फैक्ट्रीज थे, 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और 30 रीजनल मार्केटिंग सेंटर्स और 5 रीजनल कंट्रोल्स ऑफ सेफ्टी। ठीक है ये भी हुआ करता था और इसका हेडक्वार्टर्स कहां था? कोलकाता। ओके सो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो मेजर चीजें आपको याद रखनी है वो इतनी है कि 1712 में पहली दफा बनाया गया था, बनाने वाली कंपनी डच थी। ओके और अभी इसका हेडक्वार्टर्स कहां रखा गया था? कलकत्ता, कोलकाता के अंदर। और दूसरी चीज जो हमारा इसका मिनिस्ट्री है किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करेगी? सो इट विल बी वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्शन, ऑल काइंड डिफेंस से रिलेटेड ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्शन। सो यू कैन सी हियर पैराशूट भी बना रहे हैं हम मिसाइल्स भी बना रहे हैं, हम सपोर्ट इक्विपमेंट्स भी बना रहे हैं, ट्रूप क्लोथिंग भी बना रहे हैं, हमारे जो ट्रूप्स उनके कपड़े, जनरल स्टोर आइटम्स भी तैयार कर रहे हैं हम। ठीक है सब कुछ। ओके so we include production includes civilian and military grade arms and ammunition, explosive and everything. Okay मतलब हमारे डिफेंस से रिलेटेड everything was being made. Okay guys all clear? यहां तक सारी बातें done? Fine guys, any questions? Come on quickly let me know if there is any question. कोई सवाल, कोई जवाब, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? No? Okay. I guess there is no doubt then. Okay, so clear guys. Okay guys, so that's it for this session. और ये रहा मेरा Telegram channel. Please do join me here. Okay, on my Telegram. So आपको मुझे यहाँ join करना है. PMUPSC10. Go ahead and join me now immediately. Okay. And this is the same promo code you are going to use by taking the Unacademy Plus subscription. Okay, जैसे ही आप प्लस पर आओगे आपको प्रोमो कोड अप्लाई करना है। प्रोमो कोड रहा आपका ये PMUPSC10. That's going to be your promo code. Okay, and with this you will be having the flat 10% of the discount. Guys, जाने से पहले please like नहीं करना, है ना? बिल्कुल मत करना, जाने दो, ऐसे ही निकल जाना। ठीक, हमारा तो काम ही नहीं है like का बटन दबाना। Okay, guys, please do like the video. Okay. Share it as well with all of your friends, subscribe the channel and hit the bell icon as well. Okay, and first of all join me on my Telegram channel. Okay everyone, so please go ahead with Unacademy Plus because the best and the best educators of this nation with regard to the UPSC, CSE, they're waiting for you there. And you know the great wars, great weapons, the story we remit every day. Okay, so yeah, we recite every day this whole story, the great war, the great weapons. And here is what we need. Your image on the front page and at least your name. Okay, so आपको यहाँ पर ये काम करना है अपने भाई के लिए, आपको यहाँ पर अपनी रैंक लेकर आनी है किसी भी हालत में। Okay, so guys please do that and apart from that once you come on the Unacademy platform, so what you get the live mentoring platform it is. So 1:1 personal coach, 1:1 doubt solving, then 1:2 evaluated test series we got, daily answer writing, study booster sessions, live classes, weekly tests, then study material, unlimited access, structured courses, and much more to go. Okay, so 1:1 personal coach you get, and 1:1 doubt solving things you get. And apart from that, another wonderful thing, the raise hand program. Okay, the raise hand feature, matlab koi chota mota feature nahi hai. You can raise your hand in the live class on our Unacademy Plus. Okay, and clear your doubts. Talk to your favorite educator and clear your doubt. And one thing to be assured, this is much better than any offline thing, any offline thing. Okay, so guys, when you come on the Plus, you'll get two options for the subscription. So let's discuss all of them. That will be the Plus and the Iconic. So Plus ke andar hamare paas aa jayenge best educators, live classes, structured courses and PDFs, live tests and quizzes. And for Iconic, you get two more things. Okay, in addition to this plus four things. Okay, in addition, you get the personal coach and mains question answer writing practice. Okay, so talk about the prices. So here are the actual prices. Lekin aapko mera promo code yaad rakhna hai guys, PMUPSC10. Okay, so with this you will be having 10% of discount. Okay, 10% of discount. So 6, 12, 24 and 36 months ke jo actual prices hain wo reduce down aake ho jayenge. 36,450 rupees, 44,550 rupees, 64,800 rupees and 81,000 rupees respectively. For Iconic, here it is the actual prices. Okay, but 12, 24 and 36 months, the prices will reduce to 67,050, 104,175 and 130,375 rupees respectively. Okay, so kuch nahi karna hai guys, aapko ye promo code apply karna hai, PMUPSC10. Just apply the promo code, that's it. Okay. So guys, quickly go ahead with the subscription because you need the great weapon. Okay, you are indulged in a great war and you need a great weapon, right? So please remember, Unacademy, let's crack it. And apart from that, please do not forget to like, share and subscribe the video, and please don't forget to provide your valuable comments. Kal ki class mein kisi ne comment nahi kiya. Okay, so please do provide your valuable comments. Like करना ना भूलें, share करना ना भूलें और subscribe करना चैनल को भी ना भूलें और मेरे को मेरे Telegram चैनल पर भी join करना ना भूलें. That's it, PMUPSC10. Okay guys, so thank you. See you all at 1 PM in our MCQ session on our special class. Okay, that's it with the session right now. Take care. Bye bye. Jai Hind. Khuda Hafiz. See you soon.